सिमोन क्रिस्तानी को इस काम में अपनी सारी ऊर्जा लगानी होती है। शीशे की कला का काम उन्होंने 15 साल की उम्र में ही सीखा था, अब उनसे ये छोड़े नहीं छूटता। अब 35 साल के हो चुके सिमोन की गिनती इटली के सबसे रचनात्मक कलाकारों में होती है। इस समय वे इत्र की बोतलों के अलंकरण में लगे हैं। थीम है साल के 4 मौसम। ये हिस्सा जाड़े वाले परफ्यूम के बोतल पर लगेगा। मैं जाड़ों के पेड़ों की टहनी बना रहा हूँ जिसके पत्ते गिर चुके हैं। मेरा काम करने का एकदम अलग तरीका है। मैं डिज़ाइन का स्केच नहीं बनाता, दिमाग से बनाता हूँ और शीशे को भी थोड़ा वो करने देता हूँ जो वो चाहता है। उन्हें बिना रंग वाले शीशे पसंद हैं। इस तरह पशुओं की ऐसी आकृतियां बनती हैं जैसे प्रकृति संग्रहालयों में। सिमोन अपने पेड़ों के उलझे ऊपरी हिस्से वाले फूलदानों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें इसके लिए जापान के बोनजाई कला से प्रेरणा मिलती है। मेरी सभी आकृतियाँ प्रकृति के तत्वों से प्रभावित हैं। बोनजाई कला हो या पशुओं की आकृतियाँ, इंसान अक्सर प्रकृति के सौंदर्य का इस्तेमाल करता है और उसे अपनी पसंद के अनुसार ढालता है। मैं इंसान और प्रकृति के इसी रिश्ते को दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिमोन ने साल 2010 में अपना खुद का स्टूडियो बना लिया, अटलेयर क्रिस्तानी। वे ऑर्डर पर काम नहीं करते, कलाकृतियां बनाते हैं और उन्हें अपने नाम से ही बेचते हैं। वे अक्सर मटेरियल की नजाकत से खेलते हैं। ये बात संगमरमर और शीशे से बने इस टेबल में दिखती है। इनकी कीमत 17,000 यूरो से शुरू होती है।